बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से अमेज़ॉन ई कॉमर्स के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के दौरान आपको दरपेश होते हैं। CRM बेसिकली किसी भी बिज़नेस का की रीढ़ की हड्डी होती है। आपने अपने कस्टमर रिलेशनशिप उनसे रखना होता है। आपने उनके साथ डिटेल में डिफरेंट मौजूदात पर मैसेजेस करने होते हैं, ईमेल भी भेजनी होती है। तो CRM हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा जो है इश्यूज़ और चैट मैसेजेस के ऊपर होगा। दूसरे हिस्से में हम एक्सेल की शीट्स में कैसे हम डाटा उनका स्टोर करते हैं, अपने कस्टमर्स का इसलिए डाटा स्टोर करना होता है फ्यूचर में हमें अपने प्रमोशन के लिए और उनके साथ रबते के लिए हमें काम आए। तो पहला हिस्सा पार्ट है ये, इसमें हम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ इश्यूज़ हमने आपके लिए बना के रखे हैं। ये काफ़ी डिटेल में हम आपको इस कोर्स के साथ सेंड करेंगे ताकि आप इनको यूज़ करके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपने हिसाब से अपना नाम लिख के आप इसको यूज़ कर सकें ड्यूरिंग जब आप अपना एक्चुअली अमेज़ोन के ऊपर काम ईबे या अमेज़ोन पे काम कर रहे होंगे तो आपको कोई नए सिरे से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी इसमें चेंजेस करें और आप इनको यूज़ कर लें। तकरीबन मुख्तलफ इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलफ मैसेज हैं। तो ये सबसे पहले मैसेज है हमारे सामने, डियर कस्टमर योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। ज़्यादातर यही होता है कि आपका कस्टमर के साथ उस वक्त होता है या तो आपने ऑर्डर सेंड कर दिया और उसको उस तक पहुंचा नहीं है या फिर उसने आपको रोका है कि जी मैंने ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, आप काइंडली शिप ना करें। तो ज़्यादातर इश्यूज़ इसी पे होते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आपका ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिया गया, यू विल रिसीव द कन्फर्मेशन ईमेल शॉर्टली। आपको जल्दी कन्फर्मेशन ईमेल मिल जाएगी। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। ज़ाहिर है कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहा है तो फिर भी आप उससे नाराज़ नहीं होते, आपने उसको ओब्लाइज करना होता है ताकि इन फ्यूचर वो आपसे अटैच रहे, आपसे कोई नेगेटिव उसका रिव्यूज़ ना ले, नेगेटिव वो आपको आपके बारे में कोई राय कायम ना करे। इसलिए आप उसे कह रहे हैं वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। हो सकता है हमारी तरफ से डिले हो गया हो ऑर्डर, इस वजह से कस्टमर ने हमें कहा जी ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो हम उसको जो रिप्लाई कर रहे हैं अपना नाम लिखें और साथ में ये कुछ भी लिख दें कस्टमर सपोर्ट रिलेशनशिप का स्पेशलिस्ट, ताकि उसे पता हो कि कोई कंपनी काम कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा मैसेज है, डियर कस्टमर वी विल ट्रैक द पैकेज एंड इशू द रिफंड एज वी रिसीव इट बैक, यू विल बी अपडेटेड वाया ईमेल। इसी तरह के आगे और भी आएंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे उनमें, थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसमें आप सिंपली बता रहे हैं कि आपका हमने जो ऑर्डर है वो प्रोसेस कर दिया है और आपको जल्दी ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा और वी विल ट्रैक द पैकेज एंड इशू द सॉरी। इसमें वो कह रहा है कस्टमर ने आपका पैकेज लेने से या तो इनकार कर दिया या वो रिटर्न कर रहा है, उसने पैकेज रिसीव किया और वो रिटर्न कर रहा है। तो उस वक्त आप उसे कह रहे हैं कि हम जब जैसे ही हम वी विल रिसीव द पैकेज, हम पैकेज रिसीव कर लेंगे और फिर हम उसको आपको रिफंड कर देंगे। एंड एज वी रिसीव इट बैक मतलब जैसे ही हमें पैकेज मिल जाएगा हम आपका रिफंड जो है आपको दे देंगे, आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। यू विल बी अपडेटेड वाया ईमेल। आप उसे बता रहे हैं कि ईमेल के ज़रिए आपको अपडेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, इससे मिलता जुलते ही, दिस इज़ नाइस टू हेयर दैट यू रिसीव योर पैकेज। आप कस्टमर को कह रहे हैं कि मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपको पैकेज मिल गया है। वी ग्रेटली अप्रिशिएट फॉर यूर ऑनेस्टी। हम आपकी ऑनेस्टी से, आपकी ईमानदारी से खुश हुए, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर इशूज़। आप उसे कह रहे हैं कि क्या आपको कोई और मज़ीद इश्यूज़ तो नहीं है। तो इसमें उसने हो सकता है पहले आपको मैसेज किया हो जिसका आप रिप्लाई कर रहे हैं कि जी आपको पैकेज मिल गया है,
और आप कोई और फर्दर इशू है तो आप उस पर हमें बताएं, हम हाजिर हैं आपके हर तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर, योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल्ड एज पर योर रिक्वेस्ट। कस्टमर ने रिक्वेस्ट की जी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो आपने उसे ओब्लाइज कर रहे हैं कि ठीक है जी, आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। योर कार्ड विल नॉट बी चार्ज्ड, आपका कार्ड जो है उसमें से पेमेंट हम का नहीं काटेंगे। एंड पेंडिंग ट्रांजेक्शन विल डिसपेयर आफ्टर 2 to 3 days फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। चूंकि अमेजोन पे सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहे होते हैं, तो आप अपने कस्टमर को यकीन दिला रहे हैं कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तो वो चार्ज हो चुके हैं, आपके पैसे कट के आप हमारी तरफ आ चुके हैं, तो हम उसको रिफंड कर देंगे, और अगर नहीं आए तो हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, आपके पैसे कटौती नहीं करेंगे। मतलब ये कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट है, डियर कस्टमर, यू हैव ऑलरेडी सें वी हैव ऑलरेडी सेंट यू रिटर्न लेबल। रिटर्न लेबल क्या होता है, कुछ कोरियर कंपनियां हमें सहूलत देती हैं कि अगर कस्टमर आपकी चीज़ को रिटर्न करता है तो उस पे कस्टमर को खर्चा ना पड़े, शिपमेंट कॉस्ट ना पड़े। आम तौर पे जब आप भी बिज़नेस करेंगे तो कोई भी जो सेलर है वो खुद खर्चा नहीं डालता। हाँ, अगर आपने ज़्यादा अच्छा मुनाफा ले रहे हैं तब आप फ्री शिपमेंट कर सकते हैं। आप फ्री शिपमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खर्चा आप खुद से अपने ज़िम्मे ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न अक्सर जो है वो कस्टमर के ज़िम्मे होती है। रिटर्न अगर वो कर रहा है तो कस्टमर ही खर्चा भरेगा। कुछ सूरतों में आप उसको रिटर्न फ्री करते हैं ताकि कस्टमर पे आपका इम्प्रेशन, आपका इम्पैक्ट अच्छा रहे। ये उस सूरत में होता है जब कुछ कोरियर कंपनियां आपको सहूलत देती हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ प्रोडक्ट रिटर्न होगी तो हम आपको फ्री उसकी डिलीवरी देंगे। इससे ये होता है कि हमें कस्टमर हमारा जो है अगर वो रिटर्न करता है चीज़ तो उसको शिपमेंट कॉस्ट नहीं पड़ती, वो खुश होता है कि ये सेलर जो है ये अच्छा सेलर है, तो वो हो सकता है इन फ्यूचर हमसे दोबारा कुछ चीज़ बाय कर सके। तो इसलिए ये एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए हम रिटर्न लेबल भेजते हैं। रिटर्न लेबल होता ही है कि एक पेपर पे कुछ लिखा होता है, कोई एक लेबल सा बना होता है जो उस कोरियर कंपनी की तरफ से होता है, ये आपने मेल करना होता है अपने कस्टमर को, वो इसको प्रिंट करता है, बेशक वो स्मॉल साइज में कर ले या फुल साइज में कर ले। फिर वो जब रिटर्न करने लगता है तो पैकेट जो पैकेज मटेरियल है, जो पैकिंग है, उसके ऊपर वो उसको पेस्ट करके कोरियर के हवाले कर देता है, उसी कोरियर के हवाले जिसका वो लेबल है। तो इस सूरत में वो जो कोरियर कंपनी है, जब वो लेबल देखती है कि इसका रिटर्न फ्री है, तो वो उस कस्टमर से कोई पैसा चार्ज नहीं करती और वो फ्री हमें रिटर्न आइटम रिटर्न हो जाती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है रिटर्न लेबल की। इससे आपकी कस्टमर पे बेशक वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहा है फिर भी, या वो आपकी चीज़ को रिटर्न कर रहा है फिर भी, उसके ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर, वी आर फॉलोइंग अप विद योर आइटम नेम। आइटम के नेम यहाँ पे आप लिखना है। वी हैव बिन इन्फॉर्म्ड बाय फेडेक्स ड्राइवर डैट ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड योर पैकेज। इसमें एक दिन पहले, 2 दिन पहले कस्टमर ने आपसे रब्ता किया, उसने आपको बताया, इन्फॉर्म किया जी आपका, आपकी तरफ से अभी तक ऑर्डर हमें नहीं रिसीव हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ। आपने उसको जवाब दे रहे हैं, आपने उस वक्त उसे कहा कि ठीक है, हम इसको चेक करते हैं, हमने तो काफ़ी अरसे का इसको शिप कर दिया। अब आप उसको रिटर्न मैसेज कर रहे हैं कि हमने इस नाम का जो ऑर्डर है उसको फॉलो अप कर रहे थे, जब हमने कोरियर कंपनी को रब्ता किया तो कोरियर कंपनी ने, उस फेडेक्स कंपनी ने, इस कंपनी के जरिए ऑर्डर शिप हुआ होगा, तो इस कंपनी ने अपने ड्राइवर का नंबर दे दिया। जब हमने उस ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि वो आज ही सुबह या रिसेंटली वो ये ऑर्डर जो है, ये पैकेट पैकेट जो है डिलीवर कर चुका है आपको, काइंडली आप चेक कर लें, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म। इससे मुराद ये कि काइंडली आप चेक कर लें, अगर आपको रिटर्न हो चुका है, आपको मिल चुका है आपका पैकेज, तो हमें कंफर्म कर दें। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, जो आपने सब्र किया है, जो आपने बर्दाश्त की है, ऑर्डर डिले हुआ है, हम उसके लिए
आपसे, मतलब माजरा तो नहीं कि इसमें, लेकिन वी अपोलोजाई होता है, लेकिन उसमें आप कहते हैं कि आप वी अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब कि हम आपसे खुश हैं कि आपने काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर वी अपोलोजाइज फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट योर ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बिन प्रोसेस्ड एंड वी आर अनेबल टू कैंसल इट एट दिस टाइम। अब ये ऑर्डर, ये वो सूरत हाल है जो अक्सर आपको पेश आएगी कि आप ऑर्डर को शिप कर चुके होंगे, देन कस्टमर का जहन चेंज हो गया या डिले हो गया, तो वो कस्टमर जो है वो कैंसिल करवाना चाहता है ऑर्डर। अब आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप ऑर्डर को रोक सकें, तो आप उसे मैसेज करते हैं कि हम अपोलोजाई करते हैं, हम माजरत करते हैं कि आपको तकलीफ़ हुई या आपको ऑर्डर नहीं मिल सका। तो हम इस मौके पर उसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी उसको शिप कर चुके हैं। यू विल रिसीव ट्रैकिंग अपडेट्स इन अ डे, एक आध दिन में आपको ट्रैकिंग नंबर और अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा कि पैकेट आप तक डिलीवर हो रहा है, और जैसे वो डिलीवर हो आप उसको रिसीव करें। प्लीज़ लेट अस नो व्हेन यू रिसीव द आइटम, जब आप आइटम को रिसीव कर लें तो काइंडली हमें फौरन बताएं, वी विल हेल्प यू विद रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन वही है जो रिटर्न लेबल हमने जिक्र किया है कि हम उसे फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि भाईजान आपको हम एक रिटर्न लेबल भेज रहे हैं जिसके ज़रिए आप वो रिटर्न कर दें, इससे ना आपको खर्चा पड़ेगा ना हमें खर्चा पड़ेगा और वो चीज़ हम तक रिटर्न हो जाएगी, और हम जैसे रिसीव होगी हम आपको पेमेंट कर देंगे, या अगर पेमेंट नहीं की हुई तो ठीक है, और अगर पेमेंट कर दी हुई है तो फिर आपको हम रिटर्न कर देंगे आपकी पेमेंट। नेक्स्ट, ये आपने अपना सिंसियरली ये दे दें, ये अच्छा होता है जो ग्रीटिंग्स वगैरह। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, डियर कस्टमर वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, बट योर ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बिन प्रोसेस्ड, यू विल रिसीव द ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन इन अ डे, प्लीज़ प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर इशू। इसमें आप सिंपली ये कह रहे हैं, रिटर्न इन्फॉर्मेशन का जिक्र नहीं है, सादा भी बाज़ को तो आपने लिखना होता है मैसेज, इसलिए ये रिपीट हुआ है कि आप कह रहे हैं कि हम माजरत खां हैं, आपका ऑर्डर पहले ही प्रोसेस हो चुका है, आपको एक दिन में ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अगर कोई मज़ीद मसला है तो आप हमें बता दें। लेकिन इस तरह की जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है, जिसमें आप उसको उससे कहते हैं कि रिटर्न आप कर सकते हैं लेकिन आप उसको किसी तरीके से रिटर्न करें जो हम बताएंगे उससे। डियर कस्टमर प्लीज़ प्लेयर, हमें खुशी है आपसे बात करते हुए, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माजरा खाह, योर ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बिन शिप्ड अंडर ट्रैकिंग नंबर, ये ट्रैकिंग नंबर है, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग समथिंग, वी आर अनेबल टू कैंसल इट एट दिस स्टेज, इस वक्त हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, यू विल रिसीव द आइटम इन 1 to 2 business days। बिजनेस डेज से मुराद विदाउट हॉलीडेज, वर्किंग डेज जो है, तो आप कहते हैं कि 1-2 दिन में आपको वो उसका ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑर्डर भी मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो ये भी उससे मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ चूंकि ट्रैकिंग नंबर लिखा है तो इसलिए ये बताने की जरूरत पेश आई कि आप इसको अपने ऊपर वाले मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट मैसेज है, डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू नो दैट यू वांट टू कैंसिल योर ऑर्डर, हमें बहुत अफसोस है ये जानकर कि आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, योर ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बिन शिप्ड एंड वी आर अनेबल टू कैंसिल इट, आपका ऑर्डर पहले से भेजा जा चुका है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, प्लीज़ सेंड अस रिटर्न रिक्वेस्ट व्हेन यू रिसीव द आइटम। इसमें बताने का मकसद ये है कि आप आइटम को रिसीव कर लें, अगर रिसीव कस्टमर नहीं करता तो वो ऑर्डर वापस आता है, तो उस सूरत में उसका खर्चा जो है हमें पड़ सकता है, तो हम उसे कहते हैं कि आप उसको रिसीव कर लो, तो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे कैसे आपने रिटर्न करना है, वी विल हेल्प यू विद द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे उसके मुताबिक आपने उसको रिटर्न करना है। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू नो दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड योर ऑर्डर, हमें ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपको ऑर्डर नहीं मिल सका, कुड यू प्लीज़ कन्फर्म शिपिंग एड्रेस,
इसमें अक्सर मसला होता है कि शिपिंग एड्रेस कैजुअली अगर कस्टमर ने लिखा है तो वो उसमें कोई हाउस नंबर, कोई ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग होती है, इसलिए आप उसे कहते हैं कि आप कंफर्म कर सकते हैं, सच एज अपार्टमेंट नंबर और हाउस नंबर में भी मिसिंग, कोई एक चीज़ मिसिंग हो सकती है। ये सैम्पल एड्रेस कोई भी हो सकता है जो आप अपने कस्टमर का एड्रेस उसे लिखेंगे। वी वुड लाइक टू रीशिप द पैकेज एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको वो पैकेट नहीं मिला, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, देन भी हम आपको नई चीज़ रीशिप कर देंगे, बट वी नीड योर हेल्प। हमें आपकी हेल्प की मदद, आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ ई मेल अस बैक टू कन्फर्म दैट इट इज़ करेक्ट। आप काइंडली एड्रेस अपना करेक्ट करके उसको ई मेल करें, क्या ये करेक्ट है, अगर नहीं करेक्ट तो आप उसको ठीक करके हमें मेल करें ताकि हम आपको रीशिप कर सकें, और प्रोवाइड अस विद द करेक्ट और न्यू एड्रेस। करेक्ट एड्रेस करें या अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो न्यू एड्रेस सेंड करें ताकि हम आपको वो चीज़ भेज दें। वंस वी रिसीव योर रिप्लाई वी विल रीशिप योर पैकेज। जैसे ही हमें आपका रिप्लाई, आपकी तरफ से रिप्लाई मिलेगा, हम आपको वो आइटम दोबारा भेज देंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर वो आइटम मिसप्लेस हो गई है तो नुकसान आप खुद बर्दाश्त करें, कस्टमर को आप खुश रखें ताकि वो आपको फ्यूचर में भी आपसे परचेज कर सके। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर वी अंडरस्टैंड दैट यू लाइक टू रिटर्न द ऑर्डर। हम समझते हैं कि आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं या रिटर्न करना चाहते हैं। वी आर कोऑपरेटिंग विद यू एज मच एज वी कैन। जितना कि हम कोऑपरेट कर सकते थे हम कर रहे हैं आपके साथ, एंड हैव प्रोवाइडेड यू आर रिटर्न लेबल इन वन डे, इन अ डे होना चाहिए, इन वन डे एंड विद नो क्वेश्चन आस्ट। हम कोई क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ रहे कि आप क्यों हमें वो आइटम जो है कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। बहरहाल हम इन अ डे, एक आध दिन में रिटर्न लेबल आपको भेज रहे हैं, उस रिटर्न लेबल को आप लगा के उसको हमें रिटर्न कर दें। प्लीज़ प्रिंट द लेबल स्मॉल और लार्ज, पेस्ट इट ऑन द बॉक्स एंड ड्रॉप इट ऑफ टू एनी फेडेक्स लोकेशन। चूँकि वो फेडेक्स के ज़रिए गया है आप तक, आप फेडेक्स के किसी भी सेंटर पे जाके उसको रिटर्न कर रहे हैं, उस पे वो जो लेबल, जो टोकन हम भेजेंगे रिटर्न लेबल, उसको काइंडली प्रिंट करें, बेशक उसको स्मॉल साइज़ में कर लें, बिग साइज़ में कर लें, वो लगा कर आप इसको फेडेक्स के ऑफिस में जमा करवा दें। वी विल इशू द रिफंड एज सुन एज वी रिसीव वी सी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। आपकी तरफ से जब वो रिटर्न होगा तो हमें ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, तो हम उसके बाद आपको आपका पेमेंट रिफंड कर देंगे, आपका नाम और कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, डियर कस्टमर दिस आइटम शिप्स राइट फ्रॉम द मैनुफैक्चरर्स हाउस वेयर हाउस। कोई आइटम है जिसमें उसे एतराज़ है, ये जी वो चीज़ नहीं है जो भेजी गई है, तो उसमें आप कह रहे हैं जी ये आइटम चूँकि मैनुफैक्चरर के वेयर हाउस से डायरेक्ट आपको भेजी गई है, वेयर फॉर वी डोंट हैव द एग्जैक्ट एक्सपायरी एक्सपायरेशन डेट। ये एक्सपायरी डेट है तो आप उसे बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट का नहीं पता, कि अगर तो वो चीज़ एक्सपायर्ड हो आपको भेजी गई है तो हमारे मैनुफैक्चरर ने भेजी है, बिकॉज दे चेंज वेरी रैपिडली, क्योंकि एक्सपायरी डेट अक्सर चेंज हो जाती हैं। बट वी कैन इशू अश्योर यू दैट द आइटम वी ऑफर हैव द लॉन्गेस्ट एक्सपायरी डेट। लेकिन हम यकीन दिला सकते हैं कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं आपको वो लॉन्गेस्ट एक्सपायरी की है, उसकी एक्सपायरी डेट इतनी जल्दी नहीं आनी, इसलिए वो ठीक आइटम है, बिकॉज आर आइटम्स डोंट स्टे ऑन शेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि हमारी जो आइटम्स है ज़्यादा अर्सा शेल्फ पर नहीं रहती, तो फिर भी अगर इन केस वो आइटम एक्सपायर्ड हो चुकी है तो वो वापस भेज दें, हम उसको नई आइटम भेज देंगे। नेक्स्ट एक और है, डियर कस्टमर वी हैव एवरी डिज़ायर टू एड्रेस योर नीड एंड प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल टू रिजॉल्व योर इश्यूज एज सुन एज पॉसिबल। ये बता रहे हैं कि कस्टमर, डियर कस्टमर आप हमारे किंग हैं, आपको सेटिस्फाई करना हमारा फ़र्ज़ है, हम पूरी कोशिश करते हैं
कि आपकी हर ज़रूरत को पूरा करें, और उसके मुताबिक आपको कोई मसला आता है तो उसका रिजॉल्व करें, कोई भी इश्यूज आते हैं तो उनको जितने जल्दी पॉसिबल हो रिजॉल्व करें। आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल टू लेट यू नो दैट आई कॉन्टेक्टेड आर सप्लायर एंड डिलीवरी कंपनी, दे प्रोवाइडेड विद आ न्यू एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। ये हुआ ही होगा कि आपकी चीज़ कस्टमर का ऑर्डर अभी तक डिस्पैच नहीं हो सका, उस तक पहुंच नहीं सका, तो वो आप कंफर्म करके बता रहे हैं कि वो जो है नई डिलीवरी डेट आपको बता दी जाएगी। योर ऑर्डर इज़ प्लानिंग बाय डिलीवरी कंपनी टू बी सेंट फॉर डिलीवरी टुमारो, मतलब कोई भी डेट है जो नेक्स्ट डे की, उसको आप कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि आप किस चीज़ कल शिप कर देगी, आने वाला कल जो है टुमारो उसमें वो शिप कर देगी, उसकी डेट आपको भी दे सकते हैं। दे विल कीप यू अपडेटेड विद योर शिपमेंट, वो शिपमेंट तो आपकी चीज़ को वो अपडेट का आपको करते रहेंगे, ट्रैकिंग नंबर हम आपको देंगे, आपको मैसेज करेंगे जिससे आपको पता चलता रहेगा कि चीज़ आपकी आप तक आपके शहर में आपके इलाके में पहुंच गई है। आई होप माई असिस्टेंस हैज़ बिन हेल्पफुल फॉर यू, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो हेल्प है, मेरी मदद है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन, किसी भी तरीके से हम हर वक्त हाजिर रहते हैं आपको हेल्प करने में, आपके मसाइल को रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट, डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू नो दैट यू रिसीव्ड फाइबर वन, ये किसी ब्रांड का, किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का नाम है, बार्स विद लेसर कैलोरीज। वो कहते हैं कि हमें अफसोस है कि आपको ये चीज़ भेजी है हमारे मैन्युफैक्चरर ने या हमारा जो सप्लायर है उसने, जिसमें कम कैलोरीज हैं। कैन यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ टेक द पिक्चर, स्नैप पिक्चर जो मुझे पिक्चर्स ऑफ द पैकेजिंग एंड सेंड अस थ्रू दिस ईमेल। आप उसे कह रहे हैं कि यहाँ पे काइंडली आना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या आप, चूँकि कैन के अंदर ही थोड़ा सा पोलाइटनेस है, तो क्या आप उसकी दो कुछ तस्वीरें बना के भेज सकते हैं हमें, ईमेल कर सकते हैं। वी विल मेक अ क्लेम विद आर वेंडर एंड प्रोसेस रिफंड फॉर यू, हम उसको अपने वेंडर से रब्ता करेंगे और उसको वो तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि ये रॉन्ग आइटम उसने भेजी है हमारे कस्टमर को, चूँकि हमारा कस्टमर हमसे नाराज़ हो रहा है इसलिए हम उससे रिफंड क्या मुतालबा करेंगे। यू विल नॉट नीड टू सेंड द आइटम बैक, आपको ज़रूरत नहीं है वो ये आइटम आप ये रख सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको रिफंड भी कर देंगे, तो आप काइंडली ये चीज़ वापस ना करें। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर वी कन्फर्म्ड विद मैनुफैक्चरर एंड वेंडर्स एज वेल दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट आइटम। ये हुआ ये होगा कि कोई चीज़ आपको, ये चूंकि ग्रोसरी आइटम्स में डेली फूड सप्लीमेंट्स में ऐसा होता है कि जो चीज़ मंगवाई होती है वो नहीं पहुंचती, उससे कम कैलोरीज वाली पहुंच जाती है, तो आप उसे यकीन दिला रहे हैं कि मैंने मैनुफैक्चरर से वेंडर से रब्ता किया है और ये इनकरेक्ट आइटम नहीं है, इट इज़ न्यू रेसिपी विद लेसर कैलोरीज, ये नई रेसिपी है जिसमें कैलोरीज जो है कम है, ताकि आपकी डाइट आपको आपको ओवरवेट ना हो जाए। सम फ्लेवर एंड साइज, कुछ नए फ्लेवर है इसमें, कुछ साइज इसका बड़ा है, ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो आप उसे यकीन दिला रहे हैं कि ये रॉन्ग आइटम नहीं है, इनकरेक्ट आइटम नहीं है, आप इसको ये सही आइटम है। वी आर सॉरी इट वेंट रियली फास्ट ऑन प्रोडक्ट लॉन्च, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट नॉट आर डिफरेंट आइटम। कहते हैं कि अक्सर चीज़ें जल्दी चेंज होती हैं, उस प्रोडक्ट्स के नए उसके मॉडल आए जाते हैं, नए उसके फ्लेवर आए जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस होती रहती हैं, तो इसलिए ये कोई डिफरेंट आइटम नहीं है, वही आइटम है। 19 कैलोरीज आइटम इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल और बी शिफ्ट बाय द मैनुफैक्चरर, आप उसे यकीन दिला रहे हैं कि 90 कैलोरी वाली चीज़ ना तो मैनुफैक्चरर किसी को शिप कर रहा है इस वक्त, ना ही वो अवेलेबल है कहीं, अगर अवेलेबल होती तो हम वो भेज देते। दिस इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ इट, ये उसका बेहतर वर्जन है,
या आप उसको यकीन दिला रहे हैं कि हमने कोई गलत चीज़ नहीं भेजी, ये बेहतर वर्जन है उसका। इफ़ यू स्टिल वांट टू रिटर्न, अगर आप फिर भी रिटर्न करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो, देन हमें बताएं, एंड वी कैन कंपनसेट वे यू 30% ऑफ फॉर दिस इनकन्वीनियंस। जो आपको तकलीफ हुई उसके हम उसके लिए हम 30% तक तलाफी करने के लिए तैयार हैं। आपका अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन लिख लें। नेक्स्ट है, डियर कस्टमर, दिस आइटम इज़ नॉन रिफंडेबल। कोई आइटम ऐसी है जिसको रिफंड नहीं किया जा सकता, ये आखिरी इशू है, अक्सर इसमें ये अहम इशू है। इसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप रिफंड नहीं कर सकते, वो ऐसी जगह से आई होती है, फूड सप्लीमेंट होता है, कोई ऐसी आइटम होती है जिसको रिफंड नहीं किया जा सकता। तो आप अपने कस्टमर से कह रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल है एज बिकॉज इट इज़ अ फूड आइटम, क्योंकि एक फूड आइटम है। हाउएवर प्लीज़ नोट दैट इट इज़ लेसर कैलोरी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ये पिछले वर्जन, पिछले जो इश्यू है उसी की तरह का है। आप कहते जी ये कम कैलोरी वाला इम्प्रूव्ड वर्जन है, मैनुफैक्चर हैज़ अपडेटेड द प्रोडक्ट रेसिपी, देयर फॉर 90 कैलोरीज आइटम इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल एनीवेयर टू बी शिप्ड आउट। आप उसे बता रहे हैं कस्टमर को कि 90 कैलोरी वाली चीज़ अब अवेलेबल नहीं है कहीं भी, और ये चूंकि नई नया वर्जन है कम कैलोरी वाला। इफ़ यू स्टिल लाइक टू रिटर्न द प्रोडक्ट यूजिंग यूअर ऑन पोस्टेज, अगर आप अपने खर्चे पर आप प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, यू मे यूज़ दिस गिवन एड्रेस एंड प्रोवाइड ट्रैकिंग नंबर। तो आप अपना एड्रेस दे देते हैं, उसके बाद इसका आप उसे भेज दें इस एड्रेस पे और ट्रैकिंग नंबर में बता दें। एज सुन एज वी रिसीव द प्रोडक्ट बैक, जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल गई, रिटर्न होगी, वी विल इशू द रिफंड राइट अवे, हम फौरन आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो आप उसको अच्छे तरीके से ओब्लाइज कर रहे हैं, सिंसियरली अपना नाम लिख के आप उसको ग्रीटिंग्स दे देते हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका कस्टमर आपसे नाराज़ ना हो। वो ये आइटम तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन आइंदा कोई और हमारी आइटम खरीदने के लिए अपना जहन बनाए। तो इसलिए जहाँ पे पॉसिबल है आप उसको रिटर्न लेबल भेज देते हैं, जहाँ पे पॉसिबल है आप उसको यकीनदार निकलाते हैं, कराते हैं कि आपने गलत आइटम नहीं भेजी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे हम आपको इस कोर्स के साथ इश्यूज़ भेजेंगे, जो कि आप छोटी मोटी चेंजेस के साथ आप अपने एक्चुअल अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप नए इस तरह से कोई मैसेज लिखें। अक्सर मैसेज जब लाइव अकाउंट पे बैठे लिखना चाहते हैं तो अक्सर चीज़ें जहन में नहीं आती, तो बने बनाए मैसेज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।